Audio Jungle. शाम की लाली तेरी रंगत का याद दिलाती है, ए गांव तेरी मासूमियत थी, ए गांव तेरी मासूमियत थी, मुझे तेरी ओर खींच लाती है। दोस्तों, आज इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस गांव में चलने वाले हैं। इस गांव का नाम क्या है गोलू भाई? बड़ारा। जैसा कि आप लोग सुन चुके हैं कि इस गांव का क्या नाम है, आप लोग सोच रहे होंगे या तो एक बगीचा है, लेकिन दोस्तों इन पेड़ों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत गांव है जिसका भ्रमण मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूं। तो दोस्तों अब हम लोग गांव में चलते हैं और आप लोगों को गांव का नज़ारा दिखाते हैं। तो चलिए दिलशाद भाई, अब हम लोग चलते हैं। दोस्तों, डुमरियागंज का ये एक ऐसा गांव है जिसके बारे में 90-99% लोगों को नहीं पता होगा, और यहाँ का कुछ दर्द है जो मैं अभी इन लोगों से जानने की कोशिश करूँगा। इनका कुछ दर्द है शहर वालों के लिए जो मैं आप लोग को एक शायरी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ए शहर, तेरी बस यही ज़िंदगी है, तेरी हवाओं में भी अब गंदगी है। हम अभी चाचा जी से बात करने वाले हैं और यहाँ क्या परेशानी है वो चीज़ जानने वाले हैं। क्या नाम है चाचा आपका? धनराज। चाचा का धनराज नाम है। और चाचा, यहाँ पे क्या क्या परेशानी होती है? अरे परेशानी बहुत, हर एक चीज़ परेशानी है, बाढ़ की परेशानी है, आने जाने का रास्ते परेशानी है। जैसा कि दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी परेशानी होती है। जब अधिक वर्षा होती है तो इस गांव में पूरा पानी भर जाता है और यहाँ का जीवन, यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है, लेकिन जब और वर्षा होती है तो यहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और यहाँ के लोगों को, यहाँ सरकारी अस्पताल डुमरियागंज में स्थित है, वहाँ पे जाकर अपना जीवन का रहन सहन करना पड़ता है। अभी चाचा जी से हम भी बात करेंगे, चाचा जी भी कुछ कह रहे हैं। चाचा जी, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश जी। चाचा जी का नाम ओम प्रकाश है। तो चाचा जी, आप क्या कहना चाहेंगे अपने गांव के बारे में? अरे गांव की समस्या बहुत है भैया, क्या क्या बताएं। हाँ जी, अब बाढ़ से हम लोग परेशान, अभी कल से पानी हट रहा है, अब बारिश हो जाएगी फिर यहाँ भर जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी पानी भर जाता है? कमर तक पानी रहता है। दोस्तों आप लोग सुन सकते हैं, चाचा यहाँ का प्रधान कौन है? यहाँ का प्रधान पूजन, शिव पूजन। यहाँ के प्रधान शिव पूजन है। तो ये अकेला ग्राम पंचायत है या और गांव मिलके? दो डी है। उस डी का नाम क्या क्या है बता सकते? नेबुआ। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान सकते हैं, बारिश होने लगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को रोकना पड़ रहा है। अभी थोड़ी देर में हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि दोस्तों अब बारिश बंद हो गई है, चाचा जी बता रहे हैं कि इस गांव का नाम कुछ और है। तो इस गांव का नाम क्या है चाचा, बताएंगे? कोहल चक्रमोपुर उर्फ नेबुआ। जैसा कि दोस्तों आप लोग सुन चुके हैं, इस गांव का नाम कुछ और है सरकारी कागज़ में, लेकिन जो ये फेमस है वो बढ़ाड़ा के नाम से फेमस है, इसलिए विकास नहीं हो रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के सरकार के बारे में और अपने ग्राम प्रधान के बारे में? कोहल चक्रमोपुर कहाँ है, कहाँ नहीं है, ठीक है, बढ़ारा नाम पे बढ़ारा तो यही है, दुनिया जानती है बढ़ारा यही है, कोहल चक्रमोपुर पता नहीं कहाँ है। जैसा कि दोस्तों चाचा ने अपना दर्द बताया, और इन्हीं सब कारणों की वजह से यहाँ के कुछ लोग जो शहरों में कमाने के लिए चले गए, उनका भी कुछ दर्द है जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। यहाँ सामो शहर अच्छा नहीं है, यहाँ सामो शहर अच्छा नहीं है, ना राही रह गुजर अच्छा नहीं है, थी मजबूरियाँ जो घर छोड़कर आए यहाँ, पता तो था शहर अच्छा नहीं है। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
लोग घर पहुंच गए हैं। उस गांव की बहुत सारी समस्याएं थी दोस्तों, लेकिन अगर हम पूरा समस्या कवर करते तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए कुछ मेन पॉइंट हम लोगों ने कवर किया है। बस दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर आप लोग चाहते हैं उस गांव का दर्द और बहुत सारे लोग देखें तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।